आपकी अपनी स्टडी कॉर्नर चैनल से ज्यादा बेनिफिट लेने के लिए जस्ट सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। हेलो दोस्त, आज का टॉपिक है मानव शरीर एवं महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें जो भी पॉइंट्स आपको मिलेगा, पहले ही मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है, आप यहाँ जरूर देख लें। जैसे कि जीभ के बारे में, शरीर के एंजाइम के बारे में, रक्तदाब के बारे में, पाचन तंत्र के बारे में, वर्णांधता के बारे में और खनिज तत्व के बारे में आज हम लोग जानेंगे। एक एक करके हर एक पॉइंट को देखेंगे। सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में आ चुके हैं और आते रहते हैं। सबसे पहला है खनिज तत्व। खनिज तत्व के बारे में जाना जाए, शरीर को कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम आदि की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। वहीं शरीर को आयोडीन, लोहा, तांबा, कोबाल्ट आदि तत्वों की मात्रा बहुत ही कम की आवश्यकता होती है। आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है और आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। कुछ ऐसे पॉइंट्स जैसे कि हमारे शरीर में जल की कितनी परसेंट की मात्रा होनी चाहिए, तो बता दें कि जल हमारे शरीर में, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 65%, प्रोटीन 15%, इसके नाम से ही लगेगा प्रोटीन और 15 एक जैसा, वसा 12%, वसा वसे 12 और वसे वसा भी है तो ये दोनों मैच कर जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट 1%, खनिज और विटामिन 7% होना चाहिए। नेक्स्ट है वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस। इसका जो रोगी होता है उसे लाल एवं हरा रंग में भेद नहीं हो पाता है, अंतर नहीं पता चल पाता है। यह रोग जो है एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होता है। यदि वर्णांध पुरुष की शादी एक सामान्य महिला से की जाए तो क्या होगा कि उसके बच्चों में जो है लड़की वर्णांध होगी, लड़का सामान्य होगा। आमतौर पर अगर आपके समक्ष अगर नहीं पढ़े होते और ऑप्शन एग्जाम में आ जाता कि वर्णांध पुरुष हो तो उनके बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो तुरंत आप लड़के पर प्रभाव पड़ेगा ऐसा टिकर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, पुरुष वर्णांध है तो लड़की वर्णांध। नेक्स्ट एक और कंडीशन, यदि वर्णांध महिला की शादी सामान्य पुरुष से होती है तो उसकी संतान में क्या होंगे कि आधे वर्णांध होंगे और आधे सामान्य होंगे। ये कब होगा, जब महिला वर्णांध होगी, और जब पुरुष वर्णांध होगा तो लड़की वर्णांध होगी। नेक्स्ट है हीमोफीलिया जो कि जेनेटिक रोग है। ये भी इस रोग की बात करें तो केवल और केवल पुरुषों में ही पाया जाता है, महिलाएं इस रोग के जीन की वाहक होती हैं। महिलाएं भी इस रोग से ग्रसित हो सकती हैं, किंतु ऐसा तभी संभव होगा जबकि हीमोफीलिक जीन घातक होते हैं, जिसके कारण हीमोफीलिक पुरुष युवा जन्म होने के पूर्व ही मर जाते हैं, शादी की स्थिति नहीं बन पाती, अतः यह रोग महिलाओं में प्रायः नहीं होता है। तो ये बता दें कि हीमोफीलिक रोग क्या होता है। तो हीमोफीलिया जो रोग होता है उसमें क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, रक्त का जमाव नहीं हो पाता, यानी कि कहीं भी कट फट जाए तो ब्लीडिंग लगातार चालू रहता है। आगे है यह रोग केवल और केवल पुरुषों में ही पाया जाता है, ये ऊपर भी मैंने जिक्र किया था केवल पुरुषों में पाया जाता है और यहाँ भी। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे जो कि अब है पाचन तंत्र के बारे में यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। जितना भी पाचन प्रक्रिया है वह 5 अवस्थाओं में पूरा होता है। ध्यान दीजिएगा मैंने प्रक्रिया की बात की है। प्रक्रिया में पहला अंतर्ग्रहण से, यानी जब हम निवाला लेते हैं, अंतर्ग्रहण के यहाँ दिया भी है, ये भोजन को मुख गुहा में ले जाना अंतर्ग्रहण कहलाता है। उसके बाद है पाचन यानी कि डाइजेशन, अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन, और स्वागीकरण एसिमिलेशन, और मल प्रत्याग लास्ट प्रक्रिया जो कि डिफोर्सेशन है। अब यदि बात करें कि यह कितने अंगों द्वारा संपन्न होता है तो बता दें मुख गुहा से, भोजन नली से यानी कि ग्रास नली भी कहा जाता है उसे, आमाशय द्वारा, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय एवं गुदा, इन सभी अंगों की सहायता से पाचन क्रिया संपन्न होता है। अब आपको मैं बता दूं कि भोजन का अवशोषण जो होता है वो छोटी आंत में होता है। बहुत बार एग्जाम पूछा हुआ है कि छोटी आंत का कार्य अवशोषण, ये जान लीजिए। नेक्स्ट है पचे हुए भोजन को रुधिर में पहुँचाना अवशोषण कराता है। यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था अंतर्ग्रहण, पाचन हो गया, अवशोषण की बात करें एब्जॉर्प्शन,
जो कि रुधिर में बदलना कहलाता है। अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में लाया जाना स्वांगीकरण कहलाता है, स्वांगीकरण एसिमिलेशन। अपच भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है, यानी कि बड़ी आंत में कौन जाता है? अपच भोजन, जहां जीवाणु इसे मल में बदल देते हैं, यानी कि जो जीवाणु जो होते हैं ट्रांसफॉर्म करने वाले, वो कहाँ होते हैं? बड़ी आंत में होते हैं, जिसे गुदा या एनस द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ये पूरा प्रक्रिया संपन्न हुआ पाचन तंत्र का। पाचन तंत्र के ठीक बाद है रक्तदाब, यानी कि ब्लड प्रेशर के बारे में। आपको मैं बता दूं कि जो स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब जो होता है वो 120/80, यानी कि ऊपर वाला जो होता है हाई वाला 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और लो वाला जो होता है वो 80 से कम नहीं होना चाहिए। ये भी ध्यान दीजिएगा 120 आगे है और 80 पीछे है। एग्ज़ाम में अक्सर क्या करता है कि 80 ऊपर करके 120 नीचे कर देता है, तो गलती ये भी हो जाती है, ध्यान दीजिएगा। स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब जो होता है दो भाग में, यानी कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में मापा जाता है। सिस्टोलिक यानी कि 120 mmHg, और इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डायस्टोलिक यानी कि 80 mmHg, जो कि 80 से कम नहीं होना चाहिए। तो डायस्टोलिक और 80 याद रखने का तरीका अगर बताएं तो यहाँ पे ड जो लिखा हुआ है, ड, ये ड जो है 8 जैसा दिखेगा, तो आप 8 और ड याद रखने में हो सकता है कि आपको आसानी हो। चलिए आगे बात कर रहे हैं, तो अब है mm का मतलब होता है मिमी यानी कि मिलीमीटर, और HG जो है वो मरकरी पारा का सूचक है। यदि कोई व्यक्ति लगातार हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित है, हाई ब्लड प्रेशर कहने का अर्थ है कि ऊपर वाला यानी कि 120 से ज़्यादा हो, तो है भी 150 है अगर ऐसी अवस्था है, जिसे हाइपर टेंशन कहते हैं। और यदि कोई व्यक्ति लगातार लो ब्लड प्रेशर से पीड़ित है, यानी कि नीचे वाला 80 से कम होगा, तो ऐसी अवस्था में उसे हाइपोटेंशन का शिकार माना जाता है। हाइपो और हाइपर, यहाँ पे दो चीज़ ध्यान से देखिएगा, ये हाइपो है और हाइपर है। याद रखना आसान इसलिए होगा क्योंकि हाइपो और लो दोनों में एक ओ दोनों में छिपा हुआ है। देखिए हाइपो ओ और लो में भी ओ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं शरीर के एंजाइम की ओर। शरीर के कुछ एंजाइम यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुछ लिस्ट हैं, इसमें से पहला है टाइलिन। यह लार यानी कि सेलिवा में पाया जाता है। यह भोजन की मंड को माल्टोस में बदलता है। भोजन की मंड को माल्टोस में बदलने का टाइलिन का होता है। अगला है पेप्सिन। पेप्सिन का काम क्या है? यह अमाशय में जठर ग्रंथियों से स्रावित होता है, और यह प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है। पेप्सिन, प्रोटीन, पेप्टोन्स एक जैसा दिखेगा आपको, तो ये सब कुछ हो सकता है याद रहे आपको। तो अब है रेनिन के बारे में। रेनिन यह अमाशय में जठर ग्रंथियों से स्रावित होता है। दोनों का दोनों, पेप्सिन भी और रेनिन, दोनों का दोनों देखिए जठर ग्रंथि से ही स्रावित होता है। और देखिए यह दूध की प्रोटीन केसिन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल देता है। इसका काम क्या है? दूध की प्रोटीन केसिन को कैल्शियम पैराकेसिन में बदलना। नेक्स्ट है ट्रिप्सिन। यह अग्नाशयी रस में पाया जाता है। यह प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में बदलता है। और लास्ट एंजाइम जो है वो लाइपेज है। बता दो कि यह वसा को वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदल देता है। ये कुछ एंजाइम्स हैं, थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन इसको ध्यान से देखिएगा तो समझ जाएगा और याद भी रहेगा। आगे देखते हैं अब है जीभ के बारे में, जो कि लास्ट पॉइंट है। जीभ यानी कि टंग। जीभ के दोनों किनारों पर स्थित टेस्ट बड्स खट्टेपन का एहसास कराते हैं, खट्टापन। जीभा के पिछले भाग पर स्थित टेस्ट बड्स कड़वापन का आभास कराते हैं, और जीभा के सबसे आगे वाला भाग जो होता है वो नमकीन व मीठे का आभास कराता है, और जीभा का जो मध्य भाग होता है वो किसी तरह का अनुभव नहीं कराता है। अक्सर कहा जाता है कि दवा को जीभ के ठीक बीच में रखकर खाओ ताकि कोई आपको स्वाद महसूस ना हो, क्योंकि दवा तो बहुत कड़वा होता है इसलिए। और देखिए जो खट्टा होता है वो दोनों जीभ के किनारे, दोनों साइड पे खट्टापन होता है, महसूस होता है यहीं पे। कड़वापन जीभ के लास्ट, अगर दवा को जीभ के सबसे अंतिम छोर पर रख देते हैं तो कड़वापन फील होगा। और जीभ के सबसे आगे वाला भाग, यहाँ पे हम लोग कभी चीनी हाथ में रख के चाटते हैं,
तो जीभ का सबसे आगे वाला भाग से ही चाटते हैं, तो वो मीठा और नमकीन फील करता है। तो ये हुआ जीभ के बारे में। इस तरह से हम लोगों ने एक एक करके सारे पॉइंट्स हम लोगों ने देखा। आशा करता हूँ ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए एग्ज़ाम के लिए। तो अगर ये सही में वीडियो फ़ायदेमंद रहा है तो प्लीज़ लाइक बटन दबाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं दोस्त। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।